और इस जेनोसाइड के इशू पर खुसूसन शाहिद आजमी साहब के इस मेमोरियल लेक्चर में जो लोग हाजिर हैं वो तमाम हजार, सबसे पहले तो ये जो वजह बनी है यहाँ बैठने की बड़ी अहम है, वो है शाहिद आजमी साहब की याद में लेक्चर रखा जाता है। तो शाहिद आजमी उस अहद को देखा जब अभी जो लेक्चर में बात आई कि किस तरह से नौजवान को अदलिया का या इंतजामिया का या एजेंसी का जो रवैया रहा उसके खिलाफ शाहिद आजमी डटकर खड़े हुए। तो शाहिद आजमी एक अहद के शाहिद और मजलूमों के मसीहा बनकर और दुश्मनान इस्लाम और इंसानियत के दुश्मनों के खिलाफ और नाजी हिंदू और पूरी एजेंसी के खिलाफ एक उनके एक आंख का एक कांटा बनकर मजबूती से खड़े हुए, जिसकी वजह से उन पर कार्रवाई की गई और वो आज हमारे दरमियान नहीं। हम दुआ करते हैं कि शहादतों के आला मुकाम से अल्लाह ताला उन्हें सरफराज करे। देखिये अभी तो काफी वक्त हुआ है और माशाल्लाह जो जो हमारे जो स्पीकर्स थे इन्होंने काफी गुड अच्छे पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं, उसको रिपीटेशन करके मैं समझता हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन एक बात तो ये है कि एक सवाल जो है इस इंडिया हेरिटेज तो उनका जवाब भी तकरीबन अलग तरीके से आ चुका है कि जहाँ तक ख्वाहिश देखा जाए जो सनातन धर्मी है या जो ब्राह्मणिकल या जो आरएसएस जो फोर्स है उनकी अगर ज़हनियत और ख्वाहिश के अतबार से देखा जाए तो ये हेरिटेज को जा रहा है उस तरफ जा रहा है उसकी बात आ रही है। तो जैसे एक छोटी सी एग्जाम्पल आप देखेंगे कि जो जो आइडियोलॉग है जो आरएसएस के आइडियोलॉग है मेन गुरु जी का नाम उसमें जो है जो बहुत ज्यादा सामने आता है गुरु बोलवाकर, तो गुरु जी भी बोला जाता था उनको, क्योंकि जिस तरह से भागवत आज भले वो धर्म संसद के उन्मान पे थोड़ा उन्होंने अजीब बयान दे दिया कि वो जो है वो हिंदुत्व अलग है तो आपका हिंदुत्व क्या है, तो वो सुरेश स्वान के वहां पर एक तरफ जो है वो हाई कमान मीटिंग में शरीक होते हैं भागवत के साथ और दूसरी तरफ जो है वो धर्म संसद के स्टेज पर भी चीख रहे चिल्ला रहे। उसके बाद एक बयान भागवत का आता है वो किस दबाव में आया है वो किस दबाव में बयान दिया गया नहीं वो हिंदुत्व अलग है। लेकिन एक अगस्त के एक मैगजीन है 2021 में जो कारवान मैगजीन में बहुत अच्छे से जो एडॉल्फ हिटलर के जो जो ये है कि गुरु जी के बारे में उन्होंने कहा कि गुरु जी टेकिंग इंस्पायरेशन फ्रॉम एडॉल्फ हिटलर विद असद दैट इंडिया बिलोंग टू द हिंदू एंड दैट द माइनॉरिटीज शुड बी ट्रीटेड along the line of the Nazis treatment of the Jews। उन्होंने ये मतलब ये एकदम theoretical बात है जो गुरुजी ने पढ़ाई है उसके लिए पूरा एक काम चल रहा है कि जिस तरह से नाजीज ने जो Jews को treat किया है इस तरह से minority तरह भी एडवोकेट साहब ने बहुत अच्छे तरह से बहुत explain किया है कि ये जो लपेट के जो word लाते हैं इसमें target कौन होता है। बहुत अच्छी बात रखी है, अमेरिका से पहली बार बहुत ही वाजे अंदाज में बात आई कि वो दुनिया के सामने जो बात रखते हैं तो माइनॉरिटीज तो कोई भी हो सकता है लेकिन जो टारगेट किए जाते हैं वो एक कम्युनिटी है। तो जहां तक ख्वाहिश का ताल्लुक है जहां तक इंटेंशन का ताल्लुक है जहां तक नियतों का ताल्लुक है जहां तक कि जो इनकी मंजिल है वो मंजिल के एतबार से जेनोसाइड के लिए हाईलाइट कर रहे हैं और होलोकॉस्ट के जैसे रवांडा का जो एक इशू है ये जो होलोकॉस्ट का जो इशू है जर्मनी का जो इशू है उसकी तो काफी स्टडीज सामने है क्योंकि वो यूथ के खिलाफ हुआ था आज दुनिया की बड़ी पावर है तो बहुत सारी चीजें उन्होंने लाई। ये कि जिस तरह से यहाँ पर डॉक्टर साहब ने एडवोकेट साहब ने बात रखी है तो वो एक दिन में गैस ऑफ चैम्बर में लोगों को नहीं मारेंगे इस पर बहुत सवाल क्योंकि होलोकॉस्ट के इनकार पर भी बहुत बहस है कि हुआ था कि नहीं हुआ था क्योंकि डॉक्टर स्टैनिंग की बात यहाँ पर आई तो उन्होंने लास्ट स्टेप यही डिनाइल का स्टेप है लास्ट स्टेप डिनाइल है। तो उसके बाद जब लोगों को दफन किया जाता है जैसे बोस्निया हर्जेगोविना में हुआ आज इस्तेमाली खबरें निकल रही या फिर रवांडा की बात है या फिर जो है खुद जो है जर्मनी की बात है या बर्मा की बात है कौन सी कम्युनिटी तो कोई है
किसको मारा है? तो डिनाइल उसका 10 स्टेट जो उन्होंने 10 स्टेट टू जेनोसाइड जो स्पेन किया है, तो उसमें लास्ट स्टेप तो यही है कि डिनाइल है, यहाँ पर तो कोई था ही नहीं। तो ये एक बात है कि जो नियत के एतबार से और इंटेंशन के एतबार से ये जो उस तरफ नाजी हिंदू जो है, ये जो आर्सन जिसको लीड कर रही है वो उस तरफ कौन है। अब एक तारीखी सवाल है कि मुसलमान ये जो है इतना कमजोर थे कि मुसलमान एक पावर था, और जब जब सेकुलरिज्म की बात थी और जब जो मोहम्मद अली जौहर के साथ गांधी वो भी इनके साथ मुहिम में आगे बढ़ रहे थे, खिलाफत तहरीक को लेके चल रहे थे, जब सावरकर वगैरह ने इसकी बड़ी मुखालफत की, तो उस टाइम से एक सवाल मतलब स्टार्ट में आता ही है कि ये इतना बड़ा जो मूवमेंट था जिसके अंदर निष्पक्षता को लेकर सेकुलरिज्म को लेकर मुसलमानों ने पूरा सपोर्ट किया, कांग्रेस को सपोर्ट किया, कांग्रेस को सपोर्ट किया हर मामले में। ये बताया गया कि देखो जैसे एक शेर को पाला जाता था और वो डराया जाता था कि अगर जो है तुम काम नहीं करोगे, हमारे यहाँ पर ये जंगलों में जो पठानों को रखा जाता था, ये मजदूर अगर काम नहीं, पठान सिर्फ बैठा रहता था, मजदूर काम करते रहते। कांग्रेस ने किया कि भाई ये कृष्ण सेना है, ये सेना महाराष्ट्र में है, वो उधर है, आपको खा जाएगी, ये है इसके दर, हमारे पास आ जाओ, हमारे साथ चलो तो हम तुमको जो है पूरा हाथ दिलाएंगे। लेकिन होते होते ऐसा हो गया कि ये टाइम ऐसा आ गया कि सब रास्ते से गायब हो, और जो जो बड़े बड़े लीडर्स थे तमाम लोग बीजेपी में चले गए, तो जो मुसलमान और जो बड़े जो नेता सियासी नेता उनके साथ काम कर रहे थे उनके सामने तो अंधेरा छा गया, सेकुलरिज्म और अंधविश्वास के नाम पर एक अंधेरा छा गया। तो ये एक बात मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी कंसिडर करने की चीज है कि हमें इस वक्त अगर कोई तैयारी शुरू करना है तो पहली बात है कि टारगेट तुम जो टारगेट होता है उसे अपनी जगह लड़ना है, दूसरे किसी दूसरे दूसरे जो इसे मदद कर सकते हैं, साथ अच्छे लोग साथ आ सकते हैं, मदद कर सकते हैं, लेकिन दूसरों की जंग जो है खुद की जंग कोई दूसरा नहीं लड़ता। और आज जो है अगर हम और इस जंक्चर पर आकर के हम सोचते हैं कि दूसरी जो कम्युनिटीज है उसके साये के अंदर उसके पीछे छुप के अपनी जंग लड़ेंगे तो मेरे ख्याल से ऐसा पॉसिबल नहीं है, जैसा कांग्रेस के पीछे छुप के चलते रहे और उसके बाद जो आज इस रास्ते पर पहुंचे हैं कुछ भी नजर नहीं आता। तो ये एक पॉइंट है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये अच्छी बात है कि जो भी लाइक माइंडेड लोग हैं उनका साथ दिया जाए, पूरी बैटल के अंदर जो है वो मददगार साबित हो सकते हैं, उनके मशवरे आ सकते हैं, उनके खड़े रहने, क्योंकि ये बात सही है, क्योंकि जब रिवर्स होगा, जब यहाँ पर सनातन धर्म जिसको कहा जाता है या जब जो वर्ण व्यवस्था का निजाम जब आएगा तो मुसलमान जब यहाँ से गायब हो जाएगा तो वही वही झाड़ू जो कभी जो है कुमारों के मारों के पीछे बांधी जाती थी, उनके गले में प्याली डाली जाती थी, वही डाली जाने वाली है। जब यहाँ से ये सेट खत्म हो जाएगा, इसके आने की वजह से एक मुस्लिम सेट के आने की वजह से एक रिजर्वेशन की पॉलिसी आ गई, ये आई कि जो दलितों को अपग्रेड करो ताकि कहीं जो है ये इस्लाम धर्म से मुतासिर ना हो जाए। तो आप ये जब चले थे सही बात है, इन बात हमारे बुजुर्गों ने सही बात कही कि ये जंग सबकी जंग है और ये जो लॉस हो जाएगा अगर जेनोसाइड ऐसा कुछ वाक्य होता है इस मुकाम पे जाते हैं तो ये एक जुल्म और आज की का निजाम है, ये आएगा तो सबको कुछ चलेगा, सबके लिए खतरनाक है। तो ये जंग ऐसी है जो सबकी जंग है, ये बात सही है। दूसरी बात जो एक आम क्वेश्चन है जो मैंने इस पर थोड़ा सोचा तो कि देखिए जेनोसाइड के अंदर सिर्फ वो लोग जिम्मेदार नहीं होते जो मारना चाहते हैं। मैंने थोड़ा हॉलोकॉस्ट का भी मुताला किया, इस दौरान जो ये टॉपिक किया था उसमें एक बात बहुत अहम है, वो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और मैं यहाँ के जितने भी मुस्लिम फसादात हैं उसमें इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करता हूँ, नजर आता है कि बहुत से लोग थे जो नाजी हिंदू नाजी जर्मनी के उनके साथ नहीं थे, हिटलर की तरह के ख्याल नहीं रखते, लेकिन वो भी यहूदियों के कत्लेआम में शरीक हुए और उन्होंने सपोर्ट किया, या तो खामोश रहे तमाशा देखते रहे या तो सपोर्ट किया। तो सपोर्ट क्यों? एक तो सपोर्ट का जो जोश और जुनून जो मीडिया ने पैदा किया था तो वो वाकई लोगों को खतरा लगने लगता है जब मीडिया एक इशू बनाता है तो मुसलमान है, जैसे मुसलमान यहाँ पर एक इशू है कि 30% आबादी बढ़ जा रही है, 30% आबादी होगी तो ये शरीयत लॉ का मुतालबा करेंगे, उसके बाद ये जो है औरतों को ये बादशाह जो मुगलों की तरह ये हुकूमत करेंगे, या फिर ये जो है कि जो है इनकी आबादी बढ़ रही है, हमारी आबादी, हम तो दो ही बच्चे पैदा करते हैं, इधर बच्चे पैदा करते हैं तो फिर क्या होगा कि इनकी आबादी बढ़ेगी, नेचुरली इनका पावर बढ़ेगा, तो इनको खत्म करो। जब न्यूजीलैंड के अंदर एक मस्जिद में जब बैंकिंग गार्ड ने जब फायरिंग किया तो उस वक्त जो है बहुत डिस्कस चल रही थी मीडिया में, ऐसा क्यों हो गया, मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं उसके अंदर जाके एक आदमी वो भी उसको मीडिया कितना जुनून जैसा पैदा हो गया।
तो बात हुआ कि ऑस्ट्रेलिया से वो आया था और ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2 साल से मुसलसल मीडिया के अंदर मुसलमानों को खोखा बाहरी घुसपैठिए और उनको जो खाने वाले युवती था हमारे कारोबार तबाह करने वाले एकदम खतरनाक मंजर पेश किया गया मुसलमान। इसको दूसरा नाम इस्लामोफोबिया भी दिया गया, इतना ड्राई जाए कि आदमी पर लगे कि वाकई। तो ये एक वजह। दूसरी वजह क्या थी, करियर में तरक्की, लोग देखते हैं कि जो इक्तदार पे आए हुए अभी हमारे साथ ये बुजुर्ग हैं ये जानते हैं, और इन्होंने बात रखी थी कि जिन्होंने सेकुलरिज्म के हवाले से भी खड़े नहीं कोशिश की साइड पे कर दिए, बहुत सारे कत्ल कर दिए, बहुत सारे अखबारात बंद कर दिए, तो करियर कब तक आप कौन करेगा। तो वो लोग भी जो जेनोसाइड नहीं चाहते थे मुसलमान जो यहूदी के खिलाफ खड़े हुए करियर के लिए, ताकि अपना करियर बना रहे लोगों से क्या कहना है। दूसरी चीज जो है वो खौफ और लालच, खौफ तो है और लालच, जाति मफादात, और आखिरी बात है इंकलाब। आज मैं कई जगह पे जो पर्सनली बात होती है तो कहते हैं हमको ये मुसलमान चले जाएंगे तो हम उनके घर हमको मिलेंगे, तो कहे के लिए हमको जो ये टैक्सेस का रोना है, जीएसटी का रोना है, और इसका रोने घर हमको मिलेंगे, इनके जो बच्चे गुलाम हो जाएंगे वो हो जाएंगे, सब हमको मिलेगा, इनकी खेती हमको मिलेगी, तो फिर क्या है। तो फिर तो ये ऐसी चीज है जो 2002 में हम मोदी और उसके को जिम्मेदार ठहराते हैं, ठहराना भी चाहिए, लेकिन हम देखें कि आदिवासी तबका और दूसरे तबके लौटने के लिए मुसलमान घर में घुसे, उन्होंने ज्यादातर कब्जे किए। तो दलित और मुस्लिम या इस तरह की अगर कोई आवाज उठाई जाए तो इसके बारे में भी काउंसिलिंग होना चाहिए। फिर जब मुसलमानों के खिलाफ जब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मुसलमान, तो आम शहरी भी क्यों उसके खिलाफ आ जाते हैं, क्यों उनके साथ हो जाते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पर गौर करना चाहिए जो समझदार हो। दूसरी चीज जो मैं आखिरी बात जो मैं करना चाह रहा था वो ये कि जो तरीकेकार है इसमें एक सवाल ये है कि क्या ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, उस तरह ये बात तो बहुत सही है जो एडवोकेट साहब ने रखी है कि इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड, मतलब ये स्टार्ट हो चुका है, ये गुजरात फसाद में है, फिर ये हिजाब का मसला, हिजाब का मसला ये साउथ में नहीं रहेगा। और इसमें कैसे अदलिया का भी अपना किरदार है, हमेशा दिल्ली फसाद को आप देख लीजिए, दिल्ली फसाद जो है कितना ऑर्गेनाइज फसाद, कितना ऑर्गेनाइज मुस्लिम जो है जेनोसाइड का रास्ता था, लेकिन उसके बाद गिरफ्तार किसको किया गया। तकरीबन हर जगह पर आप एक ही कारण देखेंगे, पुलिस का रवैया और अदलिया का रवैया पूरा खुल के सामने आ जाता है। हिजाब के मसले पे क्या है वो सब लोग जानते हैं, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, लेकिन जो है ये तमाम जो मिलकर एक जेनोसाइड को और एक कम्युनिटी को रास्ते से हटाने के लिए मददगार साबित होते हैं। तो लेकिन अभी वो जेनोसाइड जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसकी बात डॉक्टर सेक्टन कर रहे हैं, जैसे रवांडा की बात हो रही है या फिर बर्मा में जिस तरह से हुआ है, जिस तरह से कब्रों में लटा कर जो है फायरिंग की गई है, वहीं पर उनको आग लगा दी गई है, कोई बस्ती बस्ती साफ कर दी है, तो इसमें जो है क्या इस पॉसिबिलिटी है। तो इसमें एक बात मैंने समझा दी कि कुछ चीजें हैं जो अभी रुकावट है, इस प्रोसेस शुरू होने का एक बड़ी रुकावट है। सबसे बड़ी रुकावट तो वही है जो एनआरसी के नाम पे या दस्तूर में तब्दीली के नाम पे जो 2023 में कहा जा रहा है कि अगर लॉ चेंज हो जाए, क्योंकि देखो बर्मा के अंदर मिलिट्री उसकी थी और धर्म संसद में लोग उसको बकवास समझते हैं, लेकिन धर्म संसद ने बात रखी नहीं कि हमको जो है पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन और फौज को लेकर ये काम करना है, इनके 20 लाख को खत्म करना है, इनको जो है हमको अच्छे हथियार चाहिए। और फिर जो है प्रीति जो है नरसिंहानंद से पूछा गया कि भाई आप किसको खत्म करने की बात कर रहे हैं, जिहादी को आतंकवादी किसको खत्म करनी, जो कुरान पढ़ता है और समझता है वो मेरे नजर में उनको खत्म करना चाहिए। मेरी दुश्मनी मुसलमानों से नहीं, मेरी दुश्मनी इस्लाम से। आप देखिए वो कह रहे हैं तो उनसे ये मालूम होना चाहिए कि जो इस्लाम धर्म है वो खाली हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में तो रह के ताजिरों के जरिए और दूसरे जरिए से आया, लोगों ने सच्चाई को कबूल किया और उस पर ईमान लाए और मुसलमान हो गए। इस्लाम धर्म तो पूरी दुनिया में, और तुम जो पहले साबका अगर पूरी दुनिया में खत्म करना चाहते हैं तो पहले अफगानिस्तान से पाकिस्तान से बाद सबसे बड़े देश अफगानिस्तान से साबका पड़ेगा, जब 49 देश जो है नाकाम हो चुके वहां पर। तो ये जो बयान देता कि उसने जो बयान दिया कि हम इस्लाम को खत्म, हमारा असल मुस्लिम होता नहीं है, हमारा असल इस्लाम है, हम इस्लाम को खत्म करने जाते हैं। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी और रिहाई तो क्या है कि तुमने अपना बना भी छोड़ दिया, क्या आसेरी है और क्या रिहाई। तो ये जो रवैया है पूरा, इसमें एक चीज सबसे बड़ी रुकावट है कि जिस दिन दस्तूर तब्दील हो जाएगा और जिस दिन ये पावर्स मिल जाएंगी, और जैसे कि एडवोकेट साहब ने बताया कि जब आपकी शरीयत छीन ली जाएगी उसके बाद ये आसानी से पूरी गवर्नमेंट जो है पूरी फोर्स लगा के ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज जो है जो रुकावट है
वो रुकावट है, वो इंटरनेशनल सिनेरियो है कि जो बुरी तरह से अफगानिस्तान के मैटर में जो बुरी तरह से नाकामी हुई है और जो सूरत है अभी फिलहाल जो बनी हुई है, अब चाइना को लेकर अमेरिका के बाद अगर ये वॉर होती है तो अमेरिका का पूरा फेवर यहाँ पर इस गवर्नमेंट को रहेगा जो भी गवर्नमेंट रहेगी। लेकिन अभी जो सूरत हाल बनी हुई है इसके अंदर बागवती ये बयान देने के मजबूर होते हैं कि वो हिंदुत्व तो हमारा नहीं है, इसकी बुनियाद ये लोग रख चुके हैं और ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व हमारा नहीं है। तीसरी बात जो आखिरी बात मैं रखना चाह रहा हूँ कि इसमें एक बहुत बड़ी कुवत है जो इस मुल्क की जो तारीख है, हिस्ट्री है, उस एतबार से ये उतना आसान नहीं जितना आसान आज ये लोग समझते हैं। वो है इस मुल्क की तारीख है कि हमेशा यहाँ पर तहरीकें उठी है, मजबूत तहरीकें उठी है, एक बड़ा पीरियड है और हर पीरियड में वो तहरीकें सामने आई। आज हिजाब के हिजाब को लेकर जब एक लड़की खड़ी होती है इतने इतने बड़े कैदर के चारों तरफ से कि बड़े लड़के और मर्द तो घबरा जाते हैं, वहां पर लड़के लव वगैरह नारा लगाती है। तो कुछ चीजें ऐसी है जो पॉजिटिव साइंस है वो है कि ये बड़ा हर्डल है, आज बड़ा हर्डल जब तक बिलीव है, ईमान है, और जब तक ये इसरार है कि नहीं ये जो दीन है हम इस दीन से हट नहीं सकते, कोई ताकत हमको हटा नहीं सकती, ये एक बहुत बड़ी ताकत है जो आगे चल के इन फोर्सेस के सामने खड़ी होगी। ये एक बड़ा हर्डल है जो जेनोसाइड के सामने, क्योंकि कुरान और दूसरी बात इसकी बुनियाद कुरान में है। कुरान ने जो तालीमात दी है उसमें रहम की तालीमात दी है, एहसान की तालीमात दी है, माफ करने की तालीमात दी, सब तालीमात दी कुरान ने। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो अल्लाह ताला कुरान में सूरह हज आयत नंबर 39 में एक बात आती है कि वज़ुर लजीना युकादिलून बिअन्नहुम ज़ुलमू व इन्नल्लाह अला नसरिहिम लक़दीर। जिन मुसलमानों से खामोखा लड़ाई की जाती है उनको इजाजत है कि वो भी लड़े क्योंकि इन पर जुल्म हो रहा है, अब खुदा इनकी मदद करेगा लेकिन उनकी मदद पर आगे रहे। आगे क्या वर्ष में इसी वर्ष में आगे इसको किया गया कि लजीन अफ़रजूफी मिन दियारिहिम हाँ, इनको क्योंकि इनको घरों से निकाला गया बगैर हक के निकाला गया और इल्ला अन नकूल रब्बुना, इनका कसूर क्या था, ये कहते थे हमारा रब अल्लाह है, इनका कुछ इसके सब कुछ नहीं, हम चाहते हैं हम पर्दा हमारा कल्चर है पर्दा जो किसी मौलवी ने नहीं तय किया है, मुगलों का नहीं, मुगलों का इस्लाम तो आधा इस्लाम था, वो तो मंगल से मुगल हो गए थे, असल जो इस्लाम था वो तो अल्लाह के नबी और सहाबा के जरिए आया है, तो जो इस पर्दा आया किसी मौलवी ने तय नहीं किया बैठ के किसी कौंसिल ने मुस्लिम कौंसिल ने कि मुसलमान लड़की को पर्दा करना है। सूरह अहज़ाब और सूरह नूर की आयत उतनी फर्द है, अहकामात में से हुकुम है, अगर उसका तामिल नहीं करेगी तो गुनहगार होगी। हमारे यहाँ कल्चर जो आया वो कल्चर किसी संस्कृति में कहीं बैठ के बनाया नहीं गया, तो कुरान में क्या है कि ये कहते थे रब हमारा रब अल्लाह है बस, और क्या कसूर है, बस ये कल्चर नहीं चलेगा, ये लोग नहीं चलेंगे, ये दाढ़ी नहीं चलेगी, ये वोगा नहीं चलेगा, तो ये चीज है। तो एक बात बहुत कही है जो आगे कही है सलातर ऊपर वाले का मालिक का एक बहुत बड़ा फैसला है कि अगर बास को बास से दफा ना करे तो क्या होगा, जमीन पे फसाद हो जाएगा और गिरजाघर और सवामे यहाँ पर अलग अलग नाम लिए गए, अलग अलग टेम्पल्स के नाम लिए गए, बस सलाह जहाँ पे अल्लाह की इबादत की जाती है, वह मसाजिद और जो मस्जिद है जिसमें अल्लाह का नाम कसरत से लिया जाता है, ये सब बर्बाद कर दी जाएगी, जमीन पे फसाद हो। तो जिहाद की जो पावर है इसको बिल्कुल अलग हमेशा अलग पानी में बयान किया गया, हर जगह पे अमेरिका ने भी किया, जितने भी अलग फोर्सेस हैं जो जालिम फोर्सेस हैं उसको अलग पानी बयान, इसका जो पहला स्टेप यही है कि जुल्म को उन फसादी ताकत को जो पूरे देखिए ये जो अजाइम है इसमें क्या होगा, बहुत बड़ा जेनोसाइड अगर होता है तो बहुत बड़ा फसाद हो। हमारे पहले आयत पढ़ी गई कि एक आदमी को कतल किया तो कुरान कहता है कि पूरी इंसानियत को कतल किया, लेकिन एक पूरी जमात एक आदमी गुंडा होता है, एक आदमी कोई गुंडा होता है किसी इलाके में तो पूरे इलाके का मसला होता है, उसको लोग कहते हैं इसको खत्म करो, जैसे योगी कहते हैं हमने गुंडा राज खत्म किया, गुंडे को खत्म करो एक गुंडा, लेकिन जब कोई जमात गुंडा बन जाए पूरी हुकूमत गुंडागर्दी पे आ जाए तो कितना बड़ा फसाद फैला सकती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर तो मुस्लिम जो बिलीव है देखिए हमेशा हजारों साल से ये जो है वर्ण व्यवस्था के नाम पे शूद्रों के नाम पे यहाँ के लोगों को ट्रेड करते रहे, लेकिन मुस्लिम बिलीव ऐसा नहीं है कि जो आसानी से तुम्हारे पैरों की धूल बनने तैयार होगा। तो ये तीन जो हर्डल्स हैं
ये बड़े हर्डल्स है, अल्लाह करे कि ये हर्डल्स और मजबूत हो जाए और इस मुल्क का माहौल खराब होने से बच जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही रहनुमाई करे और आगे के हालात में हमें सही कदम उठाने की तौफीक अता फरमाए। सोचो विचार के जरिए, लोगों के जरिए, बहुत ज्यादा जो वक्त है, जो अल्लामा इकबाल की कोई अशआर है वो पढ़ के बात खत्म करूंगा, जो उन्होंने उस वक्त हिंदुस्तान के हालात को देख के महसूस किए थे कि रुलाता है तेरा नजारा आए हिंदुस्तान मुझको, कि गैर इबरत खैर है तेरा फसाना सब फसानों में, सुबह कर आसमानों में बिजलियां रंगती है गर्दों ने, अना दिल बात के गाफिल न बैठे आशियानों में, वतन की फिक्र कर रादा कयामत आने वाली है, तेरे बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, जरा देख इसको जो कुछ हो रहा है होने वाला है, भला क्या है धरा क्या है भला औदर कलम कहते हैं कलम की दास्तानों में, ये खामोशी कहां तक लज्जत फरियाद पैदा कर, जमीन पे तू हो और तेरी सदा हो आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक देना होगी दास्तानों। जजाकल्ला।